नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय पक्षी भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। दोस्तों, मोर को तो आप सभी पहचानते ही होंगे। कभी ना कभी चिड़ियाघर या किसी खेत खलियान में या किसी गांवों के इलाकों में बारिश के समय में आपने मोर को नाचते हुए जरूर देखा होगा। इसकी सुंदरता की कोई मिसाल नहीं है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मोर के विषय से कुछ जुड़ी जानकारी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और स्कूल की किताबों में भी इसके बारे में हम लेख लिखा करते थे। अब बात यह आती है कि मोर कब राष्ट्रीय पक्षी बना और क्यों बना। आमतौर पर पीपल, बरगद और नीम के पेड़ पर पाए जाने वाला मोर ऊंची जगहों पर बैठना बहुत पसंद करता है। मोर को इतना सुंदर होने के पीछे उसके कई रंगों से सुसज्जित होना होता है। मोर का मुंह और गला बैंगनी रंग का होता है। इसमें पंखों का रंग हरा होता है, जिसमें चांद जैसी बैंगनी आसमानी हरे पीले रंगों से आकृति बनी होती है। मोर के पंख इतने कोमल होते हैं जैसे कि कोई मखमल का वस्त्र हो। मोर की गर्दन पतली और सुराहीदार जैसी होती है। मोर के पैरों का रंग मटमेला सफेद होता है। मोर की आंखें और मोहे छोटे होते हैं, ऐसा भी बुजुर्ग कहते हैं या ऐसा पौराणिक कालों में कहा जाता है कि मोर जब अपने पैरों को देखता है तो वह रोने लगता है, क्योंकि उसके पैर उसके पूरे शरीर में सबसे ज्यादा बदसूरत होते हैं। मोर के बढ़ते शिकार के कारण भारत सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोर को पूर्ण संरक्षण दिया है, जिसके बाद मोरों के शिकार में कमी आई है। मोर बहुत ही शांत और शर्मीले किस्म का पक्षी होता है। मोर हमेशा 3-4 मोरों के साथ रहता है। मोर सामान्यतया पूरे भारत देश में पाया जाता है, लेकिन इसकी प्रजाति ज्यादातर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में फैली हुई है। मोर हमेशा इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। यह अक्सर बड़े पेड़ों की ऊंची डाल या फिर जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों, मोर की आवाज बहुत ही तेज होती है, जिसको 2 किलोमीटर दूर तक से सुना जा सकता है, लेकिन इसकी आवाज कर्कश भरी होती है। मोर के शरीर का रंग चटक नीले और बैंगनी कलर का होता है। यह पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी होता है। इसके पंख बहुत ही बड़े होते हैं, जिसके कारण यह ज्यादा दूरी तक उड़ नहीं पाता है और ज्यादातर चलना ही पसंद करता है। दोस्तों, इसके पंख खोखले होते हैं, साथ ही पंखों पर पेड़ों के पत्तों की तरह छोटी छोटी पंखुड़ियां होती हैं। पंखों के अंत में चटक रंगों जैसी चांद जैसी आकृति बनी होती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। मोर प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही जोर जोर से आवाज करके उसके बारे में बता देता है। मोर बारिश के मौसम में बहुत ही खुश होता है और इतनी खुशी के कारण वह अपने पंखों को फैलाकर धीरे धीरे गोल गोल घूमकर नाचता है। मोर के नाचते समय पंखों की आकृति आधे चांद की तरह दिखाई देती है। मोर इतना सुंदर पक्षी होता है कि इसको देखकर कोई भी इस पर मोहित हो जाता है। मोर कई चटकीले रंगों से सुसज्जित एक सुंदर पक्षी होता है। मोर ज्यादातर हमारे देश के सभी हिस्सों में पाया जाता है और साथ साथ विदेशों में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे सुंदर प्रजाति केवल भारतवर्ष में ही दिखाई देती है। मोर का जीवन काल लगभग 15 से 25 वर्ष के लगभग का होता है। मोर भोजन में अनाज, सब्जियां और कीट पतंगों को खाता है। इसके साथ साथ समय आने पर वह जहरीले सांपों को भी मारकर खा जाता है। मोर के कानों की सुनने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। एक छोटी सी आहट को भी वह बहुत ही दूरी से सुन लेता है। मोर आम पक्षियों की तरह इंसानों से घुल मिलकर नहीं रहता है। वह शर्मीले स्वभाव का होता है, जिसके कारण वह ज्यादातर पेड़ों और जंगलों में पाया जाता है। मोर पुल्लिंग होता है, जबकि मोरनी स्त्रीलिंग होती है। मोर का शरीर नीली और बैंगनी रंग से सजा हुआ होता है, जबकि मोरनी इतनी सुंदर नहीं होती। उसके बड़े बड़े पंख भी नहीं होते और साथ ही वह भूरे और मटमैले रंग की होती है। मोर बारिश के दिनों में बारिश आने से पहले ही जोर जोर से आवाज करके उसका संकेत दे देता है, और साथ ही जब बारिश का मौसम आता है तो मोर अपने पंख फैलाकर ऐसे नाचता है मानो वह बारिश का स्वागत कर रहा हो। मोर का नृत्य धीमी गति का होता है। वह एक ही जगह पर पंख फैलाकर धीरे धीरे घूमकर अपना नृत्य दिखाता है। मोर के सिर पर चांद जैसी आकृति में छोटी छोटी पंखुड़ियां बनी होती हैं।
इनको कलंगी भी कहते हैं। लोगों के अनुसार यह उनका ताज है, इसलिए पक्षियों में इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया, क्योंकि मोर भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है और यह देखने में भी बहुत ही सुंदर पक्षी लगता है। साथ ही इसकी भारतीय परंपराओं और संस्कृति में इसकी झलक दिखाई देती है। मोर दिखने में इतना सुंदर होता है कि कोई भी एक बार देख ले तो इसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। मोर की अलग अलग देशों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे सुंदर प्रजाति भारत में ही पाई जाती है। मोर ज्यादातर खुश्क क्षेत्रों में ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मोर मौसम और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, इसलिए बर्फीली और पहाड़ी क्षेत्रों में भी यह सहजता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। यह पानी के निश्चित स्रोत के पास अक्सर नजर आते हैं, इसलिए यह भारतीय गांव में ज्यादातर देखे जाते हैं। मोर किसानों का सबसे अच्छा दोस्त भी होता है, क्योंकि यह फसलों में लगने वाले कीट पतंगों को खा जाता है। मोर के लगभग 200 से अधिक पंख होते हैं, जिनके अंत में चांद के आकार की आकृति बनी होती है, जिसमें सतरंगी रंग भरे हुए होते हैं। इसके पंख खोखले होते हैं, जिनको पुराने जमाने में स्याही में डुबोकर लिखने का काम भी लिया जाता था। इनके पंख इतने कोमल होते हैं जैसे कि कोई मखमल का कपड़ा। यह सामान्यतया ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर जैसे पीपल, बरगद, नीम पर बैठे अक्सर दिख जाते हैं। यह समूह में रहने वाला पक्षी है। मोर का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है, क्योंकि मोर के पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है और मोर भगवान शिव के बेटे कार्तिक का वाहन भी है। मुगल सम्राट शाहजहां ने मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर मोर के पंखों की तरह सिंहासन बनाने का आदेश दिया था। यह सिंहासन बनने में कुल 6 साल लगे थे। इसमें देश और विदेश से लाकर बहुमूल्य रत्न जड़े गए थे। सिंहासन को तख्त ए ताऊस नाम दिया गया था। मोर पक्षी इतना सतर्क होता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसे पहले से ही पता चल जाता है और वह तेज आवाज करके सभी पक्षियों और लोगों को इसके बारे में सूचित कर देता है। इसके हर साल नए पंख आते हैं और पुराने पंख यह झाड़ देता है। उसके पंखों का उपयोग सजावटी गुलदस्तों, गर्मियों में हवा खाने के लिए हाथ के बने पंखों और आजकल तो इसका उपयोग तरह तरह की मॉडर्न डिजाइनों में भी किया जाने लगा है। इसके साथ ही इसके पंखों से कुछ जड़ी बूटियां भी बनाई जाती हैं, जिसके कारण इसके पंखों की बाजार में मांग अक्सर बनी रहती है। इसलिए लोग इसका शिकार करने लगे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आने लगी तो तब भारत सरकार ने मोर को संरक्षण देते हुए वन अधिनियम 1972 के तहत इसके शिकार पर रोक लगा दी। अगर कोई व्यक्ति इसका शिकार करता है तो उसके साथ जुर्माने तथा कठोर कारावास का भी प्रावधान है, लेकिन आज भी इस पक्षी का शिकार किया जा रहा है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मोर हमारे भारत देश की आन बान और शान है। कृपया इसका शिकार होने से बचाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन